नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राधेश श्याम, एमबीबीएस डूइंग एमडी इन डर्मेटोलॉजी विनरोलॉजी एंड लेप्रोसी फ्रॉम एसपी मेडिकल कॉलेज। हम यहाँ पर आज कुछ डर्मेटोलॉजी से कुछ अच्छे टॉपिक्स पे, छोटे छोटे टॉपिक पे वीडियोस बनाएंगे, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं एम्सलर क्राइटेरिया। एम्सलर क्राइटेरिया इज ए क्लिनिकल डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर बैक्टीरियल वेजिनोसिस। क्लिनिकल डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया बैक्टीरियल वेजिनोसिस बहुत ही कॉमन डिजीज है ये। इसके अंदर क्या होता है, इसमें फोर क्लिनिकल डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है। अगर इन फोर पॉइंट में से अगर थ्री कंडीशन पॉजिटिव है तो हम इसको डायग्नोस बैक्टीरियल वेजिनोसिस के रूप में कर सकते हैं। तो ये फोर पॉइंट कौन से हैं? नंबर वन, कि ये जो वेजाइनल डिस्चार्ज है, अगर वो एक्सेसिव होमोजीनस यूनिफॉर्म एड्रेंट वेजिनल डिस्चार्ज है किसी फीमेल्स के अंदर, पेशेंट्स के अंदर, अगर वेजाइनल डिस्चार्ज की नेचर होमोजीनस यूनिफॉर्म और एड्रेंट है तो हम उसके लिए ये बैक्टीरियल वेजिनोसिस सोच सकते हैं। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जो ये वेजाइनल डिस्चार्ज होता है इसके अंदर कोई इन्फ्लामेटरी सेल्स अब्सेंट होती है। अच्छा साहब, इन्फ्लामेटरी सेल्स होती नहीं है, इन्फ्लामेटरी सेल्स नहीं होती है तो इसका, अगर इन्फ्लामेटरी सेल्स होती तो हम इसको वेजिनोसिस नहीं कहते, हम इसको कहते वेजिनाइटिस। लेकिन इसके अंदर इन्फ्लामेटरी सेल्स नहीं होती है, अब्सेंट होती है, इसलिए इसका नाम होता है बैक्टीरियल वेजिनोसिस। नेक्स्ट पॉइंट आता है साहब, एलिवेटेड वेजाइनल पीएच। वेजाइना की नॉर्मल पीएच होती है, वेजाइना की नॉर्मल पीएच होती है 4 to 4.5, जो मेनली वहां के नॉर्मल वेजाइनल फ्लोरा होता है लैक्टोबैसिलाई की वजह से होती है। अगर नॉर्मल वेजाइनल फ्लोरा अल्टर्ड हो जाए, गार्डेनेला वेजाइनोसिस और अदर दूसरे बैक्टीरियल वेजाइनल फ्लोरा से, एनएरोबिक फ्लोरा से अल्टर्ड हो जाए तो ये वेजाइनल पीएच बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ये भी एक पॉइंट क्लिनिकल डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के अंदर एंटर किया है। एक यहां पर पॉइंट आता है, अगर ये वेजाइनल पीएच 5.5 से ज्यादा है, अगर यहां पीएच सिक्रीशन का 5.5 से ज्यादा है तो हम इसको वेजाइनल सिक्रीशन नहीं मानेंगे, ये नॉर्मली सर्वाइकल सिक्रीशन हो सकता है। नेक्स्ट एक पॉइंट आता है, थर्ड पॉइंट, पॉजिटिव एमीन टेस्ट, इसका नाम विफ टेस्ट। ये क्या होता है सर? पॉजिटिव एमीन टेस्ट के अंदर क्या करते हैं सर? वेजाइनल सिक्रीशन लेते हैं, वेजाइनल सिक्रीशन के साथ में इसकी रिएक्शन कराई जाती है 10% KOs से। 10% KOs के रिएक्शन करने की वजह से इसके अंदर फिशी ऑर्डर आती है, डेड फिश ऑर्डर आती है। अगर ये डेड फिश ऑर्डर है तो हम इसको बैक्टीरियल वेजिनोसिस मान सकते हैं। ये डेड फिश ऑर्डर किसकी वजह से आती है? ये एरोमेटिक एमीन्स की वजह से आती है। किसकी वजह से आती है? एरोमेटिक एमीन्स की वजह से आती है। ये एरोमेटिक एमीन्स कौन से होते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर। ये एरोमेटिक एमीन होते हैं कैडेवेरिन, नंबर सेकेंड आता है प्यूट्रिसिन, और थर्ड आता है ट्राइमिथाइल एमीन, ये इनकी वजह से ये फिशी ऑर्डर आता है अगर पॉजिटिव विप टेस्ट। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्लूसेंस। अगर वेजाइनल सिक्रीशन के अंदर, ग्राम स्टेन करते हैं और ग्राम स्टेन के अंदर अगर हमें ये क्लू सेल्स क्या होती है, एपिथेलियल सेल्स होती है, एपिथेलियल सेल होती है, और एपिथेलियल सेल इज कवर्ड बाय गार्डेनेला वेजिनोसिस बैक्टीरिया से कवर्ड होती है। इन सेल्स को हम क्लू सेल्स कहते हैं। दीज क्लू सेल्स, अगर क्लू सेल्स फॉर क्लू फॉर डायग्नोसिस फॉर बैक्टीरियल वेजिनोसिस, नीट पीजी के एग्जाम में बहुत फेमस क्वेश्चन है, क्लू सेल्स आर प्रेजेंट, आंसर आता है बैक्टीरियल वेजिनोसिस। इन चार पॉइंट में से अगर तीन पॉइंट प्रेजेंट है तो हम इसको लिए बैक्टीरियल वेजिनोसिस डायग्नोसिस करेंगे। तो इंपॉर्टेंट बात, एम्सलर क्राइटेरिया फोर पॉइंट, एक्सेसिव होमोजीनस यूनिफॉर्म एड्रेंट वेजाइनल डिस्चार्ज, एलिवेटेड वेजाइनल पीएच ग्रेटर देन 4.5, पॉजिटिव एमीन टेस्ट और विफ टेस्ट आर पॉजिटिव, क्लू सेल्स ग्रेटर देन 20% इन द वेजाइनल सिक्रीशन, दैट इज आवर एम्सलर क्राइटेरिया फॉर बैक्टीरियल वेजिनोसिस। थैंक यू।